इसमें मैं समझता हूँ कि दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी के खाते भी बंद इस चीज हो रहे हैं। एक तरफ तो भाजपा इस तरीके से लोगों से चंदा लूट रही है। इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर इन दिनों देश में घमासान मचा हुआ है। सबसे अधिक चंदा हासिल करने को लेकर सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी विपक्ष के निशाने पर है। उनका आरोप है कि भाजपा ने सत्ता का दुरुपयोग कर चंदा जुटाया है। कांग्रेस के राज्यसभा सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने तंज कसते हुए कहा कि बीजेपी का नारा है, जो हमें देगा चंदा उसे हम देंगे धंधा। इलेक्टोरल बॉन्ड में भारतीय जनता पार्टी का सच सामने आ रहा है कि जो दुनिया की सबसे अमीर पार्टी बनने की जो बात बीजेपी कर रही है, तो वो अमीर पार्टी कैसे बनी, किन किन से चंदा ले रहे हैं। ऐसे ऐसे समय पे जब महामारी काल में पूरी दुनिया एक महामारी से जूझ रही थी, कोरोना से जूझ रही थी, हर कोई व्यक्ति अपनी जेब से जो भी हो वो खर्च करके एक दूसरे की मदद कर रहा था, कोई ऑक्सीजन सिलेंडर पहुँचा रहा था, कोई किसी तरह की मदद कर रहा था। ऐसे में भाजपा ने वैक्सीन बनाने वाली कंपनी से पहले चंदा लिया और करोड़ों रुपए का चंदा लिया, और जिस दिन जो है ये 53 करोड़ चंदा मिला, उसके 3 दिन के बाद प्रधानमंत्री जी मिले और उसके 5 दिन के बाद उनको वैक्सीन की परमिशन मिली और एक जो है मैं समझता हूँ कि एक बड़े प्रॉफिट मार्जिन पे उस वैक्सीन को पूरे देश में जो है मैं समझता हूँ उनको एक मिली सरकार की तरफ से। और उसके बाद वो जो वैक्सीन वाले हैं वो आज देश में टॉप उद्योगपतियों में उनका नाम आ गया यकायक। जो तो ये एक बड़े एक तरफ तो ये बात आ रही है और दूसरी तरफ जो आप प्रश्न पूछ रहे हैं, तो बड़े इसमें मैं समझता हूँ कि दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी के खाते भी बंद इस चीज हो रहे हैं। एक तरफ तो भाजपा इस तरीके से लोगों से चंदा लूट रही है कि आप हमें दो चंदा हम आपको देंगे धंधा, ये एक बीजेपी का नारा है, और जो नहीं देगा चंदा उस उद्योगपति को देंगे ईडी, उस उद्योगपति को देंगे ईडी का फंदा, ये भाजपा का नारा हो गया। और दूसरी तरफ कांग्रेस के अकाउंट बंद कर दिए, तो हमारे पास जो है अब हम क्या करें, अकाउंट तो बंद हो गए। नए सीएम है नायब चढ़ी, उन्होंने कहा है कि पिछले जो 10 साल कांग्रेस कर रहे हैं उसी समय भ्रष्टाचार हुआ है, हमारे यहाँ भ्रष्टाचार नहीं हुआ। ये क्या है इलेक्टोरल बॉन्ड वाली जो मैंने जो प्रश्न किए हैं, आज भ्रष्टाचार चरम में, जो जिसको कॉन्ट्रैक्ट मिला देश में उसी ने बीजेपी को चंदा दिया, आ गया ये सुप्रीम कोर्ट में सारी सा बात आ गई, जिस पे ईडी की कार्रवाई हुई उसने चाहे उसको चंदा देना पड़ा, और यहाँ तक कि वैक्सीन बनाने वालों को अपनी वैक्सीन के अप्रूवल से पहले चंदा देना पड़ा। बता दें कि आयकर विभाग ने कांग्रेस के बैंक खाते को सीज कर रखा है, जिसके कारण पार्टी के सामने आर्थिक संकट उत्पन्न हो गया है। कांग्रेस नेताओं ने सत्तारूढ़ बीजेपी पर चुनाव से एन पहले बैंक खातों को सीज कराकर देश के सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी को पंगु बनाने की कोशिश करने का आरोप लगाया है। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।